हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लॉथ वॉश विद बबल स्टॉर्म के साथ टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर। तो हमारा सैमसंग का वॉशिंग मशीन है, तो इसमें आपको मिल जाएगा बबल स्टॉर्म का ऑप्शन, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बबल स्टॉर्म है, तो इसको चालू करने के लिए हमको एक मेनू को प्रेस करना पड़ेगा, तो उससे वे चालू हो जाएगा। तो हमने डिटर्जेंट वगैरह सब कुछ डाल दिया है। तो बबल स्टॉर्म में होता है जो इको बबल, जहाँ पर लिखा है ना बबल स्टॉर्म, जहाँ से निकलता है। और ये नहीं पता मेरे को कैसे चलता है, क्योंकि तो मैंने काफ़ी बार कोशिश किया लेकिन मेरे से तो कभी इको बबल सा हुआ नहीं। तो आज देखते हैं, इसको पहले करते हैं बंद और डोर को भी करते हैं डाउन। तो डोर हो गया डाउन, तो अभी करते हैं मशीन को स्टार्ट। मशीन चालू हो चुका है हमारा, तो अभी आपको कुछ नहीं करना, जी नॉर्मल सेट है तो नॉर्मल पे ही रहने देना है। तो नॉर्मल रहने के बाद क्या करना है आपको, पानी वगैरह का वॉल मैं ओपन कर देता हूँ पहले। तो अभी हमको ये वाला बटन है ना, इसको ये वाला बटन है, इसको 3 सेकंड के लिए पुश करके रखना है। ये देख सकते हो, ये सिंबल आ चुका है, ये चला गया। अब देख सकते हो, फिर से हम इसको इको बबल से आ चुका है। ठीक है, तो अभी जो हम कर दिया, आपको वाटर लेवल सेलेक्ट नहीं करना, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद वाश कितने टाइम, 24 मिनट करना है, तो हम 24 हम करेंगे 18 मिनट। ठीक है, बहुत होता है 18 मिनट। रिंस करेंगे 2 टाइम, स्पिन करेंगे ऑटोमेटिक रहने देंगे स्पिन को भी। अभी कुछ नहीं करना, अभी करना मशीन को स्टार्ट, मशीन को चालू करना, मतलब साइकिल चालू करना है इसका। तो चालू हो चुका है, अभी हमारा क्लॉथ सेंस होगा, तो कपड़ों को सेंस करेगा मशीन हमारा, आप देख सकते हो। तो अभी इसने पानी लेना शुरू कर दिया है मशीन ने, और सेंस कर लिया कपड़ों को कितना टाइम लगेगा, आप देख सकते हो 1 आवर 21 मिनट बता रहा है। तो ये कपड़ों को सेंस के मुताबिक बताता है भाई कितना पानी लगेगा और कितना टाइम लगेगा इसको। और उसके बाद रेंस भी डिपेंड करता है, स्पिन पर भी डिपेंड करता है टाइमिंग का। तो अभी आप देख सकते हो इसके अंदर पानी जा रहा है। तो बबल स्टॉर्म इधर से ही आता है, ठीक है, जहाँ से ये अभी वाटर आ रहा है। अभी आपको दिखाते हैं बबल स्टॉर्म भी इसका।